अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MMS मुमताज़ टेक्निकल। तो दोस्तों, अब जिस टॉपिक के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूं वो है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जॉब्स। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। तफसील में आपको बता देता हूँ, इसकी जो कुल पोस्ट हैं वो हैं 30+ पोस्ट हैं और जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो है 7 जुलाई 2021। जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डायरेक्टर नर्सिंग का, वो एजुकेशन इसकी MSN BSN विद PNC रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस इसका 5 से 10 साल का होना चाहिए। बाकी रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर हेल्थ फिजिकल, उसकी एजुकेशन है MS मेडिकल फिजिक्स, MSc अप्लाइड फिजिक्स, एक्सपीरियंस इसका 2 से 3 साल का मस्ट है। फार्मेसी मैनेजर एजुकेशन डी फार्मेसी, एक्सपीरियंस 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए एजुकेशन जो है वो BA BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड एक्सपीरियंस 3 ईयर्स होना चाहिए। कार्डियक स्पेशलाइज्ड नर्स एजुकेशन BSN और पोस्ट RN डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी एंथीसिया OT, एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर। जनरल स्टाफ नर्स एजुकेशन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और BSN, एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस। टेक्नीशियन कैथ लैब रेडियोलॉजी CT MRI CSSD, एजुकेशन इसकी FSC BSc विद 2 to 4 ईयर्स ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है जी टेक्नीशियन ECG ECO ETT PFT, इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए वो है मैट्रिक FSC विद 1 ईयर डिप्लोमा और एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इंटरव्यू और टेस्ट शेड्यूल जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा इसके लिए 9 से 10 अगस्त तक 2021। वॉक इन इंटरव्यू लोकेशन जो है वो PGMI हॉल सेंडमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल क्वेटा। सैलरी और अदर बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट पे स्केल के मुताबिक होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप मज़ीद इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर टिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।